any genetic transmission which is correlated with the sex chromosomes of the parents. फिर आपकी ये सेक्स क्रोमोसोमल लिंक्ड इनहेरिटेंस, चलें अ सिंगल जीन कैन रेंडर द मेल व्हाइट आइट, बट फॉर अ फीमेल टू बी व्हाइट आइट शी मस्ट हैज both the genes of white color on XX chromosomes. एक सिंगल जीन का आ जाना मेल्स में व्हाइट आई कॉज करा सकता है, लेकिन फीमेल्स उस वक्त तक, फीमेल ड्रोसोफिला मक्खियां उस वक्त तक सफेद आंखें नहीं रखेंगी जब तक दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पे व्हाइट आंखों के जीन्स ना आ जाएं, ठीक है? जब तक दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पे व्हाइट आंखों के जीन्स ना आ जाएं, चलें इसके बाद आ जाइए फर्दर। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं सेक्स क्रोमोसोमल लिंक इनहेरिटेंस ह्यूमंस के बारे में, और इसमें बहुत से सुन लीजिए। सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस की बात करूंगा। देखें कलर ब्लाइंडनेस और दूसरी बीमारी है हीमोफीलिया, ये दो बीमारियां इनके जीन सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स के जरिए ट्रांसमिट होते हैं। मेल्स में एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम पे इसके अगर जीन्स आ जाएं कलर ब्लाइंडनेस की और हीमोफीलिया की, तो मेल्स ये बीमारियां सफर करें, ह्यूमन मेल्स। लेकिन फीमेल्स के बारे में बात की जाए कि जब तक दोनों एक्स क्रोमोसोम पे इसके जीन्स ना आ जाए कलर ब्लाइंडनेस के और हीमोफीलिया के, उस वक्त तक आपके पास फीमेल जो है वो कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया जो है वो सफर नहीं करेंगी, ठीक है? उस वक्त तक फीमेल जो है वो आपके पास कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया सफर नहीं करे। तो ये कहलाती है आपके पास सेक्स क्रोमोसोमल लेंथ इनहेरिटेंस। थोड़ी सी इसमें आपको डिटेल बताना होगी, पहले बताऊंगा कलर ब्लाइंडनेस एक्चुअली कहते किसको है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। इसमें आपने दो बीमारियां पढ़नी है, एक कलर ब्लाइंडनेस और दूसरी आपने पढ़नी है हीमोफीलिया। सबसे पहले मैं आपसे कलर ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा। कलर ब्लाइंडनेस को डिफाइन करते हैं
इट इज सेक्स क्रोमोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन इज अनएबल टू परसेप्ट वन और मोर कलर्स He or she is difficult to differentiate red from green. ठीक है, ही और शी इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश रेड फ्रॉम ग्रीन. ठीक है, वो जो है आपके पास रेड को ग्रीन से डिस्टिंग्विश करने में डिफिकल्टी महसूस करता है. ठीक है, मोस्ट लाइकली. अच्छा, आप सुनिए जरा गौर से, पूरी डिटेल में सुन लीजिए. इंसानों की जो आंखें हैं उसमें रेटिना की लेयर मौजूद है. रेटिना में रॉड सेल्स मौजूद होती हैं और मौजूद होती हैं कोन सेल्स. ठीक है, रेटिना के अंदर रॉड सेल्स मौजूद होती हैं और कोन सेल्स मौजूद होते हैं. देखिए, हमारी आंखें इसके सबसे अंदर की लेयर ही कहलाती है रेटिना. रेटिना में दो तरह के सेल्स मौजूद हैं, एक कहलाते हैं रॉड सेल्स और दूसरे कहलाते हैं कोन सेल्स. ठीक है, एक कहलाते हैं रॉड सेल्स और एक कहलाते हैं कोन सेल्स. जो कोन सेल्स होते हैं वो कलर्ड विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो कलर्ड विजन में मदद देते हैं. ठीक है, जो कोन सेल्स होते हैं वो दरअसल कलर्ड विजन जो है उसमें आपके पास रोल प्ले करते हैं कोन सेल्स. अब जो कलर ब्लाइंडनेस सफर करते हैं तो उनके आपके पास समझ लें कि ये जो कोन सेल्स की एबिलिटी है कि किसी कलर्ड ऑब्जेक्ट को वो परसीव करें, वो ये जाने कि ये कलर कौन सा है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है, तो इस वजह से हम उनके बारे में क्या कहते हैं, हम उससे कि उनके बारे में कहते हैं कि दे आर सफरिंग कलर ब्लाइंडनेस. ठीक है, इस तरह से हम उनके बारे में कह रहे हैं दे आर सफरिंग कलर ब्लाइंडनेस. मैंने ये जो बात लिखी है रेड को ग्रीन से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो बेटा गौर से सुन लीजिए कि रेड ग्रीन येलो या रेड ग्रीन ब्लू, ये तीन कलर्स ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि सारे कलर्स इन तीन कलर से मिलके बने. ठीक है, सारे के सारे कलर्स इन तीन कलर्स से मिलके बने. तो जो लोग कलर ब्लाइंड होते हैं वो आपके पास खास तौर पे रेड को ग्रीन से डिस्टिंग्विश करने में उनको प्रॉब्लम होती है. उनको कोई भी डार्क कलर है वो ब्लैक नजर आता है, कोई भी लाइट कलर है तो वो कम ब्लैक, या बहुत ही लाइट कलर है तो उनको व्हाइट नजर आता है. और आजकल याद रखिएगा, यूनिवर्सिटीज वगैरह के अंदर जो टेस्ट होते हैं सेकेंड ईयर के बाद जब यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होते हैं, इवन एनएनडी यूनिवर्सिटी वाले भी क्या करते हैं कि वो मेडिकल का टेस्ट ले रहे हैं स्टूडेंट्स का, खासतौर पर कलर ब्लाइंडनेस अगर निकलती है तो उनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेने ही नहीं देते. क्यों? क्योंकि उनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो लेने नहीं देते. वजह क्या है? वजह ये है कि मुख्तलिफ किस्म की रेजिस्टेंसेस जो है उनको उनके कलर से पहचाना जाता है, और अगर वो कलर ब्लाइंड है और वो नहीं पहचान सकते तो उनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है. उनसे कहते हैं आप कोई और सी फील्ड है, और मुख्तलिफ
आर्म्ड फोर्सेस वगैरह के जो टेस्ट होते हैं उसमें भी कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट जो है वो मस्ट होता है, ठीक है। चलें, इसके बाद आपसे बात करने जा रहा हूं फर्दर क्रॉसेस के बारे में बात करने जा रहा हूं, तो जरा क्रॉस देख लें कि क्रॉस काम कैसे करेंगे। याद रखें ये इंसानों के क्रॉसेस हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के क्रॉस सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन तक करेंगे, हम इसको एफ टू जनरेशन तक प्रोसीड नहीं करेंगे, ठीक है। नॉर्मल मदर कलर ब्लाइंड फादर, नॉर्मल मदर क्रॉस्ड विथ, नॉर्मल मदर क्रॉस्ड विथ कलर ब्लाइंड फादर। देखिए नॉर्मल मदर को हम एक्स कैपिटल एन और एक्स कैपिटल एन से शो कर रहे हैं, और कलर ब्लाइंड फादर को हम एक्स स्मॉल एन और वाई से शो कर रहे हैं, एक्स स्मॉल एन वाई। ठीक है, हम इससे शो कर रहे हैं। इसी के ध्यान में आए सर, आपने सी का लेटर क्यों नहीं लिया? तो देखिए सी के बारे में मेरा पता नहीं चलता कि अगर हम पावर की फॉर्म में उसको यूज करें कि ये स्मॉल सी है या लार्ज सी, ठीक है, ये छोटा सी है कि बड़ा सी है, तो ये पहचान में नहीं आता। तो इसलिए जो है हम आमतौर पे ये एन का अल्फाबेट सिलेक्ट कर ले, इसके गैमीट्स बनेंगे तो ये बनेंगे, ठीक है, इसके गैमीट्स बनेंगे तो ये बनेंगे, एक्स स्मॉल एन वाई, एक्स कैपिटल एन, एक्स कैपिटल एन, x capital N, x small n, x capital N, x small n, x capital N, y, x capital N, y। देखिए x capital N, x small n, normal daughter, x capital N, x small n, normal daughter, x capital N, y, normal son, x capital N, y, normal son। 15% चांस है नॉर्मल कैरियर डॉटर्स, और 50% चांस है नॉर्मल सन्स, ठीक है, 50% चांस है नॉर्मल सन्स का। कर लें क्रॉस कॉपी कर लें, फिर उसके बाद आपको मजीद क्रॉसेस करने के लिए दे रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मुझे ये पूछना था, आपने अभी ये बोला कि हमारे रेटिना के अंदर रॉड सेल्स होते हैं और कोन सेल्स होते हैं, और कोन सेल्स आर एसोसिएटेड विद द कलर वी सी, कलर विजन में। तो सर जो कलर ब्लाइंड होते हैं उनके कोन सेल्स को क्या होता है जो वो नहीं देख पाते कलर सही से? और दूसरी बात, अगर आपने ये जो डेफिनेशन लिखी है कलर ब्लाइंडनेस की, अगर आप एक दफ़ा वापस पढ़ दें। देखिए पहली बात तो ये सुन लीजिए, पहले सारे जरा बात सुन लें,
जो बात पूछी गई है वो आपको भी फायदा देगी। देखें, पहली बात तो ये है कि जीन्स नहीं है, ठीक है, जो कि कलर्स को देखने मदद दे सके। अब जीन्स का क्या असर होता है, जीन्स बनाते हैं एंजाइम्स, यानी कौन सेल्स के अंदर उन एंजाइम्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, उन एंजाइम्स की फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने अगर होता है तो वो इमेज बनती है हमारी रेटिना के ऊपर। अब रेटिना की जो इमेज, रेटिना पे जो इमेज बनी है, रेटिना की 6 लेयर्स हैं कम से कम, उसकी जो सेंसरी लेयर है उसके ऊपर चेंजेस आती हैं, जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनी होती है उसकी वजह से उसके ऊपर चेंजेस आते हैं, उसके सरफेस पर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, चेंजेस आते हैं। अब वो चेंजेस आपके पास आने में एंजाइम्स का रोल होता है। कौन सेल्स के अंदर जो आपके पास एंजाइम्स हैं जो कि कलर्ड विजन देखने में हेल्पफुल होते हैं, उन एंजाइम्स की फॉर्मेशन ही नहीं होती। तो भले से रेटिना के ऊपर कोई भी कलर्ड ऑब्जेक्ट की इमेज बने ना बने, तो वो एंजाइम्स ही नहीं है तो वो सबने समझ ले सिग्नल ही रिसीव नहीं कर, ठीक है। फर्ज करने किसी कान नहीं है तो वो नहीं सुन सकता, तो बिल्कुल इसी तरह उस सेल के पास वो एंजाइम्स ही नहीं है तो उसके उस सरफेस पे कलर इमेज पड़ी हुई है लेकिन वो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। तो एंजाइम्स का रोल इस हद तक है, ठीक है, कि एंजाइम्स नहीं है जो कि कलर ऑब्जेक्ट को देखने में मदद दे सके। डेफिनेशन में पढ़ देता हूं, इट इज सेक्स क्रोमोसोमल लिंक डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन इज अनेबल टू परसेप्ट वन और मोर कलर, he she is difficult to find or he she is difficult to differentiate red from green. आमतौर पर उसको रेड को ग्रीन से डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सारा खेल दरअसल एंजाइम्स वगैरह का ही है। किसी को अगर बीमारी सिस्टिक फाइब्रोसिस हो तो उसमें लिपिड्स की डाइजेशन नहीं होती क्योंकि लाइपेज एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं होती। मिसाल देने के लिए समझा रहा हूं, तो जब वो लाइपेज ही नहीं है तो लिपिड्स की डाइजेशन नहीं होगी। सिमिलरली आपके पास जब उसके जीन्स ही नहीं है, तो जीन्स नहीं है तो वो जीन्स दरअसल एंजाइम्स बनाकर किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, वो एंजाइम्स की फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो वो जो कलर का स्टिमुलस है वो रिसीव ही नहीं होगा। फीमेल उस वक्त तक कलर ब्लाइंड नहीं होगी जब तक दोनों एक्स क्रोमोसोम पे उसके जीन्स ना आ जाए। मेल्स में एक सिंगल क्रोमोसोम पे जीन आ गया तो वो कलर ब्लाइंड हो जाएंगे। चले दूसरा क्रॉस करने को दे रहा हूं आपको। नॉर्मल कैरियर मदर क्रॉस वेट कलर ब्लाइंड फादर, ठीक है, कलर ब्लाइंड फादर नॉर्मल कैरियर मदर एक्स कैपिटल एन एक्स स्मॉल कलर ब्लाइंड फादर x small n or y
नॉर्मल कैरियर मदर क्रॉस विद द कलर ब्लाइंड फादर करके करें इसको क्रॉस को। अच्छा वैसे ही एक आदत बनवा रहा हूं आपकी, ये जैसे पनेट बॉक्स में मैं एक्स और वाई एक तरफ और ऊपर एक्स एक्स लिख रहा हूं, तो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही करें तो आपको ज्यादा आगे परेशानी से बच जाए। एक ही आदत बना लें, ठीक है। वाह भाई, तो काफी सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया। चलें एक मिनट, सोफिया से सो मैंने नहीं, मैं म्यूट कर रहा हूँ, सोफिया आप नहीं बोलिएगा, मैंने गलती से फिलहाल आपसे पूछ लिया, मैं हर दफा आप ही से पूछता हूँ, कोई और जवाब दे रहे तो मैं उससे पूछूंगा। एक मिनट, ऐमन आगा आपसे भी पूछता हूँ, कोई और ऐसा बच्चा जो कि नायला आपसे पूछता हूँ, ठीक। हाँ नायला आप बता दें बेटा, बोलो परसेंटेज क्या क्या आ रही है? अरे हमने एंड 25% कलर ब्लाइंड सन्स नहीं सुना मैंने, दोबारा बोलो जी बेटा, दोबारा बोलो। सुहानी आप बताओ। सर 25% कैरियर नॉर्मल डॉटर्स और 25% कलर ब्लाइंडेड डॉटर्स, 25% नॉर्मल सन और 25% कलर ब्लाइंड सन। ठीक है बेटा, सबका यही है, उम्मीद करता हूँ सबका यही होगा, किसी का ये ना हो और किसी को करना ना आया हो तो पूछ ले भाई। अच्छा इसका मतलब है जिन्होंने हैंडेज छोड़ दिया है उनको कुछ पूछना है। जी इशारी, अस्सलाम वालेकुम सर, आपने कुछ बेटा पूछना है? जी सर, सर मैं कह रही थी जो आपने फर्स्ट क्रॉस बताया जिसमें नॉर्मल मदर थी और कलर ब्लाइंड फादर थे, तो इसका मतलब उसके जब उसके कोई भी ऑफस्प्रिंग्स कलर ब्लाइंड नहीं होंगे? नहीं कलर ब्लाइंड नहीं होगा, अगर माँ होमोजाइगस है ना नॉर्मल, इनके ऑफस्प्रिंग्स में कोई कलर ब्लाइंड नहीं होगा। ओके सर, मैं आपको म्यूट करके और अच्छा जवाब देता हूँ, बैकग्राउंड में मुझे वॉइसेस आ रही है, मुझे बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगता कि किसी घर की आवाजें 10 जगह पे जाए। गौर से सुन लीजिए बेटा कि अगर फर्ज करें कोई माँ जो है वो डॉक्टर के पास आती है, कोई कपल जो है वो डॉक्टर के पास आता है, गोद में बच्चा है, और वो कहें कि हम बड़े परेशान हैं, और परेशानी की वजह ये है कि जो बच्चा है इसके अब्बू कलर ब्लाइंड है, ठीक है। अब कलर ब्लाइंड है तो अब इतना छोटा बच्चा है ये तो बता ही नहीं सकता कि भाई वो कलर ब्लाइंड कलर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब आप बताएं कि ये कलर ब्लाइंड आगे जाके होगा कि नहीं होगा, तो अब डॉक्टर डॉक्टर जो है वो कॉन्फिडेंटली कुछ सवाल पूछेगा, क्या कहते हैं कि आप माँ से पूछेगा कि आपके खानदान में कभी कोई कलर ब्लाइंड हुआ है या आपकी अम्मी अबू में से उनके अम्मी, तो कहेगी कि नहीं है, ठीक है। तो अब डॉक्टर जो है वो जवाब क्या दे सकता है, वो जवाब दे सकता है कि नहीं ये बच्चा कलर ब्लाइंड नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए माँ अगर कलर ब्लाइंड नहीं है
तो माँ को खुद को भी तो नहीं पता ना मैं नॉर्मल हूं या नॉर्मल कैरियर हूं, ठीक है? तो मोस्ट लाइकली आपके पास अगर वो नॉर्मल है, कलर ब्लाइंडनेस बहुत ही रेयर है, कम है, तो मोस्ट लाइकली आपके पास माँ नॉर्मल होगी, तो इसलिए आपके पास वो बच्चा कलर ब्लाइंडनेस सफर नहीं करेगी। चले अगला क्रॉस दे रहा हूं आपको। कलर ब्लाइंड मदर, कलर ब्लाइंड मदर विद नॉर्मल फादर, ठीक है? क्रॉस बिटवीन कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल फादर, कर लीजिए आप। सर बताऊं इसका आंसर? मैं आपसे नहीं पूछ सकता माता जी, आपके बैकग्राउंड में मुझे वॉइसेस आ रही हैं। नेवर जी सॉरी सर, इसमें 50% जो होंगे वो कैरियर नॉर्मल डॉटर्स होंगी और 50% होंगे कलर ब्लाइंडेड सन्स। ठीक है, 50% जहां सब नॉर्मल कैरियर डॉटर, कैरियर नॉर्मल नहीं होती, नॉर्मल कैरियर होता, नॉर्मल कैरियर डॉटर 50% चांस है कलर ब्लाइंड सन। गुड। अच्छा अब यहां पे एक दो बातें जरा देख लें। एक कपल जो है वो डॉक्टर के पास आता है, बच्चे के बारे में कहते हैं कि बच्चा जो है वो पता नहीं कलर ब्लाइंड है कि नहीं, माँ कलर ब्लाइंड है, गोद में जो बच्चा है वो बेटा है, ठीक है? गोद में जो बच्चा है वो बेटा है। अब याद रखिएगा कि अगर माँ कलर ब्लाइंड है तो बेटा लाजमी कलर ब्लाइंड होगा, ठीक है? अगर माँ कलर ब्लाइंड है तो बेटा जो है वो लाजमी कलर ब्लाइंड होगा, ठीक है? मस्ट। चलें इसके बाद आइए चौथा क्रॉस होगा आपके पास, क्रॉस बिटवीन नॉर्मल कैरियर मदर एंड नॉर्मल फादर। ये पहला क्रॉस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। नॉर्मल कैरियर मदर विथ नॉर्मल फॉर, ठीक है? नॉर्मल कैरियर मदर जो है उसको क्रॉस करेंगे नॉर्मल फादर के साथ। है आप बता दें सर, 25% नॉर्मल डॉटर, 25% नॉर्मल कैरियर डॉटर,
25% नॉर्मल सन और 25% कलर ब्लाइंडेड सन। ठीक है, चलिए किसी ने कुछ पूछना है तो हैंड रेज रखें, या आपके पास रेशो है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। एमन आगा, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि आप बड़ी परेशान हैं। हो सकता है कि परेशानी की वजह कोई और हो, ठीक है, हो सकता है आपकी मुर्गी बीमार हो, ठीक है, हो सकता है आपके तोता बीमार हो, ठीक है, जरूरी थोड़ी है पढ़ने की वजह, पढ़ने के अलावा भी वजह हो सकती है। तो अगर पढ़ने की वजह टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो चले जाने दे, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड है तो दोबारा हैंड रेज कर लीजिएगा। क्या कहती है? ए अनम्यूट करूंगा फिर बताइए, बोलिएगा ना, ऐसे थोड़ी मैं आपको चले अनम्यूट करता हूँ। हाँ बोले सर, मैं कब से आंसर बताना था। अच्छा, आपको आंसर बताना था। ओह, ये तो छोटी मोटी चीज है, क्या करेगी। चले कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें होती रहती है। अभी तो बहुत सारे हैं, अभी तो हीमोफीलिया भी आगे आ रहे हैं ना, आपसे पूछ लेते हैं, पूरा हीमोफीलिया आप ही से पूछ लेते हैं। चले ठीक है, तो ये आपके पास बात हो गई किसके बारे में, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। अ पर्सन इज अनेबल टू परसेप्ट वन और मोर कलर, ही और शी यूजुअली फाइंड डिफिकल्टी इन डिस्टिंग्विशिंग रेड फ्रॉम ग्रीन। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आपसे बात करने जा रहा हूं। किसी ने कोई सवाल तो नहीं करना कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड, फिर आपसे बात कर रहा हूं। देखिए, बहुत सारे लोग आई कलर को कलर ब्लाइंडनेस के साथ मिक्सअप कर देते हैं। आई कलर ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है और कलर ब्लाइंडनेस सेक्स क्रोमोसोमल है, ध्यान में रख लीजिएगा। आई कलर इज ड्यू टू द कलर ऑफ आइरिस और कलर ब्लाइंडनेस बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट इन द वर्किंग ऑफ द, ठीक है, डिफेक्ट इन द वर्किंग ऑफ कौन सेल्स ऑफ रेटिना, कौन सेल्स की जो वर्किंग है उसमें डिफेक्ट है, इस वजह से आपके पास जो है, हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, कौन सेल्स की जो वर्किंग है उसमें डिफेक्ट है, इस वजह से हम उसको कलर ब्लाइंडनेस का नाम दे रहे हैं। चले नेक्स्ट डिसऑर्डर जिसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, वह आपके पास हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया क्या होता है जरा ये मुलाहिज़ा फरमा। चले हीमोफीलिया के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, देखिए गौर से सुनिएगा कि हीमोफीलिया एक वो बीमारी है जिसमें आपके पास खून जो है वो जमता नहीं है चोट लगने के बाद और मुसलसल बहता रहता है, ठीक है, या देर से जमता है। इट इज सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन विच ब्लड फेल्स टू क्लॉट आफ्टर एन एक्सटर्नल और इंटरनल इंजरी और इट क्लॉट्स वेरी स्लोली। बेटा आप सबको बताए, फर्स्ट ईयर में ये चीज आपने पढ़ी है,
हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं जो कि क्लॉटिंग में मदद देते हैं। हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं जो कि क्लॉटिंग करने में मदद देते हैं। और से सुनिएगा, हमारे ब्लड में 16 ऐसी चीजें हैं जो मिलकर क्लॉटिंग करने में मदद देती हैं, और ये सब मिलकर काम करते हैं। यानी कि इसमें से अगर एक भी नहीं होगा तो बकिया जो 15 हैं उनकी एफिशिएंसी, उनका काम करना मुतासिर होगा और क्लॉटिंग नहीं होगा। ये 16 जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इनके अलग अलग नाम है, प्रोथ्रोम्बिन है, फिब्रिनोजेन है, वगैरह वगैरह। इनमें एक नाम है, 8वें नंबर पे एक नाम है जिसका नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8। ठीक है, इनमें एक नाम है जिसका नाम है आपके पास एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8। ठीक है, ये कहलाता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, फैक्टर 8। हीमोफिलिया में क्या होता है, ये जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर फैक्टर 8 है ये आपके पास नहीं बनता, और इसके जीन्स कहाँ मौजूद होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स पे होते हैं। फीमेल उस वक्त तक हीमोफिलिया का शिकार नहीं होंगी जब तक दोनों एक्स क्रोमोसोम पे इसके जीन्स ना आ जाएं, लेकिन एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम पे इसके जीन्स का आ जाना मेल्स में हीमोफिलिया कॉज करा दे। आप सबने शायद रॉयल फैमिली इंग्लैंड में मलका एलिजाबेथ का नाम सुना होगा। तो मलका एलिजाबेथ की जो नस्ल है उसमें जो शहजादे आए उनमें से कुछ शहजादे जो है वो हीमोफिलिया का शिकार थे, और उसकी वजह मलका एलिजाबेथ थी, क्योंकि मलका एलिजाबेथ कैरियर थी। उनको खुद को हीमोफिलिया नहीं था लेकिन वो कैरियर थी, जिसकी वजह से आगे आने वाली नस्ल में जो शहजादे थे उनको हीमोफिलिया हो गया। ठीक है, चलें, तो क्रॉस करने का तरीकेकार वही है, लेकिन बस यहां पे चलें लेटर्स वगैरह आपको बता देती हूँ कौन से लेटर्स हैं। परसेंटेज वगैरह तो वही आएगी। नॉर्मल कैरियर मदर क्रॉस विद द नॉर्मल फॉर, नॉर्मल कैरियर मदर एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच से शो कर रहे हैं, नॉर्मल फादर एक्स कैपिटल एच वाई से शो कर रहे हैं। इसको जरा अपने पास आप क्रॉस कर लें, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। इन दिस ब्लड फेल्स टू क्लॉट After an external or internal injury, or it clots very slowly. चले इमान आदा आपसे जवाब चाहिए। बोले सर, इसमें 25% नॉर्मल डॉटर होगी
और 25% कैरियर डॉटर होगी और 25% नॉर्मल सन होगा और 25% हीमियोफिलिक सन होगा. 5% चांस है कि नॉर्मल डॉटर हो, 25% नॉर्मल कैरियर डॉटर होगी, 25% नॉर्मल सन, 25% चांस है कि हीमोफिलिक. जैसे आपने कलर ब्लाइंडनेस की है, ठीक है, चलें पढ़ के आइए नेक्स्ट क्लास में.